नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम माल्टा में हैं और माल्टा से ये वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आज आप जानने वाले हैं 2023 में डिलीवरी जॉब्स की क्या सिचुएशन होने वाली है। वेल, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, जिसको मैंने 2 साल पहले बनाया था मतिन भाई के साथ, जो 1.5 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया है, वैसा ही आज कुछ वीडियो हम बनाने वाले हैं 2023 के सिचुएशन के लिए, कि क्या आपको डिलीवरी जॉब के लिए माल्टा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और इसको बताने के लिए आज मेरे साथ है श्रीकांत ब्रो। हाय भाई। श्रीकांत भाई आज साथ में है और श्रीकांत भाई की जो है ये बाइक है, और श्रीकांत भाई बोल्ट में जो है पार्ट टाइम में, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों भी चल जाता है ना, दोनों चल जाता है। तो श्रीकांत भाई जो हमें देख रहे हैं आज व्यूअर्स, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपने बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में ए टू जेड अबाउट डिलीवरी जॉब्स। मैं 2 मंथ्स हो गया इधर आके। अच्छा, इंडिया से हैदराबाद आ गए। हाँ हाँ, मैं पार्ट टाइम बोल्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद से है और 2 मंथ्स हुए अभी आपको। 2 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो 2 मंथ्स अभी जैसे आपको हुए, तो आप इंडिया में जब थे, पूरी जर्नी जानते हो आपकी, जब इंडिया में जब थे आप, तो उस टाइम पर क्या करते थे वहाँ पर? हैदराबाद से ट्रांसपोर्ट में काम करते। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, क्या काम था वहाँ पर? सुपरवाइजर काम। अच्छा, सुपरवाइजर काम। तो माल्टा के लिए शुरू, प्रोसेस कब शुरू की डिलीवरी जॉब की आपने? माल्टा वर्क परमिट, वर्क परमिट पाया होंगे, वर्क परमिट। तो कब शुरू किया था इसके लिए अप्लाई करना? 4 मंथ्स हो गए। पूरा प्रोसेस में आपको 4 महीने लग गए थे वीज़ा आने तक का, राइट? तो जब आप माल्टा में आए आज से 2 महीने पहले, मतलब कह सकते हैं अपन, अभी चल रहा है नवंबर, सितंबर में आए क्या? सितंबर आए इधर। अच्छा, सितंबर में वीजा आया। अगस्त में वीजा और सितंबर में यहाँ पर आया। मैं ड्रॉप करा वीजा बीएफएस में, अगस्त में वीजा। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, तो जब यहाँ पर लैंड हुए आप, उसके बाद आपने पहली जॉब ही डिलीवरी की करी है, इसके अलावा भी कुछ किया था? मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पार्ट टाइम फूड डिलीवरी काम कर रहा हूँ। दूसरा काम क्या है आपका? और ट्रांसपोर्ट काम है। ट्रांसपोर्ट का ही है, तो उसमें क्या करते हैं आप? उसमें डिलीवरी है, उसमें डिलीवरी का काम, उसमें भी। तो जो ये जो आप ट्रांसपोर्ट वाली जॉब करते हैं, ये कब से कब तक करते हैं? मॉर्निंग सिक्स टू थ्री। और उसके बाद फिर आप जो है डिलीवरी जॉब करते हो? 4 to 10 पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। अच्छा, 4 to 10 इवनिंग में आप जो ये जॉब, तो आप 2 जॉब कर रहे हो अभी। 2 जॉब। तो जो आपका वर्क परमिट बना हुआ है वो किस जॉब पे है, वो ट्रांसपोर्ट की जॉब पे या वर्क परमिट पे? बोल्ट। अच्छा, बोल्ट में ही रहता है। तो जैसे 2 महीने हो गए हैं आपको डिलीवरी जॉब करते करते अभी, तो अभी तक आप जो अपनी ट्रांसपोर्ट वाली जॉब है उसमें कितना कमाते हो, उसमें कितने आवर्स, तो आपने बता दिया, अर्निंग कितनी होती है उसमें? अर्निंग पर वीक 40 आवर्स, पर वीक 40 आवर्स रहता है उसका। मंडे टू फ्राइडे कितना अमाउंट हो जाता है उसके अंदर? पर आवर 6 यूरो। तो महीने का कितना मान लूँ उसके अंदर में? 1 मंथ 950,000 आता। 950,000 आपकी ट्रांसपोर्ट वाली जॉब से आता है। और उसके बाद में जो आपकी डिलीवरी करते हो, तो इसमें जैसे बताया आपने 4 से लेकर 10 बजे तक का टाइम रहता है, और सैटरडे संडे भी होते होंगे? सैटरडे संडे फुल टाइम। और आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो संडे को ही शूट कर रहे हैं। तो इसमें जो है पर डिलीवरी का अमाउंट कितना मिलता है? फॉर वन डिलीवरी मैक्सिमम 2.8 से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रहता है, 3 यूरो तक। और ज़्यादा किलोमीटर तो 5, 6, 7। हाँ, 5, 6, 7 भी मिल जाता है। मिल जाता, क्या बात है। तो इसमें जैसे अपन कहे, आप तो करते हो 6 घंटे की जॉब इसमें, है ना, 6 घंटे देखा जाए तो उन 6 घंटों में आप कितना बना लेते हो एक दिन के अंदर? एक दिन में भी 30, 35, 40। 30, 35, 40 पार्ट टाइम है। अच्छा, ओनली पार्ट टाइम है। वीकेंड में, वीकेंड सैटरडे संडे पर डे 120 सैटरडे संडे, एक दिन का बता रहा हूँ। 120 मतलब करीबन 10,000 के आसपास होता है दोस्तों। अच्छा, ये अमाउंट जो अर्न करते हो, तो अभी पार्ट टाइम में ले लेते एक तरीके से, फुल टाइम ही आपका 6 घंटे और 2 घंटे और बढ़ा दो तो एक तरीके से वो फुल टाइम ही हो गया है। तो कितना इसमें कितना कमा लेते हो डिलीवरी जॉब से, सैटरडे संडे भी मिला लो और आपका जो है ये वर्किंग डेज भी मिला लो तो भी? पर वीक बोल्ट में 300। अच्छा, 300 मार लेते हैं। और ऐसे अपन इसको हफ्ते में, पूरा महीने में लेंगे तो करीबन 1200 यूरो, 1200 यूरो के आसपास आता है। आपका केस थोड़ा सा लगे क्योंकि आपकी 2 जगह से अर्निंग है, एक तो सुबह ट्रांसपोर्ट्स के भी हैं और शाम को जो है डिलीवरी से भी है, तो मतलब 1,500 के आसपास वहाँ से कमाते हो ट्रांसपोर्ट से, और 1,500 यहाँ से 2,000 यूरो का आपका पूरा मतलब टर्नओवर रहता है। और उसमें आप जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा ऑक्यूपाइड हो, मतलब कितने घंटे हो गए ये? कितने? 12, 16 आवर्स। 16 आवर्स दोस्तों, 16 आवर्स की जॉब जो है श्रीकांत यहाँ पर कर रहे हैं, तब जाके वो 2,000 अर्न कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई बंदा इंडिया से आता है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आते हैं और सिर्फ डिलीवरी जॉब के भरोसे आते हैं, डिलीवरी, तो क्या वो इतना पैसा कमा सकते हैं, या आज के समय में 2023 में कितना पैसा कमा सकते हैं डिलीवरी जॉब में? हाँ, अच्छा काम कर दो, मंथली 1,000 to 5,000
2000 के आसपास 2002-2005 अच्छा 2000 से 2500 यूरो पर मंथ फुल टाइम अगर टाइम दिया जाए तो इतना बन सकता है। तो अगर ये फुल टाइम करें तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हालांकि ये आधा ही करते हैं, 6 आवर्स ही करते हैं, तो इसी के कारण कम है। और सैटरडे संडे तो फुल टाइम रहता है, फुल टाइम सैटरडे संडे। और सैटरडे सैटरडे संडे वीकेंड में ज्यादा था, अच्छा अमाउंट भी ज्यादा था। तो मतलब सबसे ज्यादा कमाई सैटरडे संडे को होती है आपकी। जॉब पाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा आपके पास अभी? अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, इंडिया लाइसेंस है। इंडियन लाइसेंस पर आईडी पे लेके रखा है। अभी तो रूल चेंज हो गए, अभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करा। अच्छा, तो यार जैसे मैं ये अभी काफी सुन रहा हूँ कि जैसे डिलीवरी ड्राइवर्स बहुत सारे हो गए और ऑर्डर्स इतने नहीं है, तो ये कैसा अच्छा है यहाँ पर? अभी अच्छा है बट ड्राइवर ज्यादा है, ऑर्डर्स कम है। तो ये सही है, मतलब कि यहाँ पर ड्राइवर थोड़े ज्यादा हो गए और ऑर्डर कम हो गए, नहीं तो पहले हुआ करता था कि भाई ड्राइवर कम थे और ऑर्डर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ड्राइवर ज्यादा है अभी। हाँ, तो बस मेरा एक आखिरी क्वेश्चन तुमसे श्रीकांत ये है कि कोई अगर डिलीवरी जॉब के लिए आ रहा है तो वो कितना दिमाग में बिठा कर आया कि भाई मैं इतना कमा सकता हूँ यहाँ पर डिलीवरी जॉब में अभी 2023 के हिसाब से? कितना ज्यादा काम कर दो ज्यादा पैसा आता इधर। हाँ, बोल्ट में 14 आवर्स काम कर दो अच्छा आता पैसा। तो कितना पैसा मान लू मैं? डेली 100 डेली 100 80-100। तो मतलब एक नंबर बताओ मेरे को, नंबर तुमसे जानना है मेरे को कि क्या हो सकता है वो नंबर। हम पार्ट टाइम का काम कर रहे हो, वीकेंड में सैटरडे संडे भी मैं डेली 100 को 2000 यूरो कमा सकते हैं इसमें बोल्ट में। हाँ, महीने का अगर अच्छे से काम किया जाए तो 14 आवर्स काम कर दो, 14 आवर्स काम करेंगे तो हो जाएगा। और अगर सिर्फ 8 आवर्स काम किया तो 8-10 8 आवर्स 1500 के आसपास। हाँ भैया, तो 14 आवर्स के अगर डेली काम कर सकते हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 2000 यूरो से ज़्यादा। और अगर आप 8 से 10 घंटे काम करोगे तो आप 1500 यूरो के आसपास जो है इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो ये यहाँ की एक्चुअल रियलिटी है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। अभी अनसीजन है ना? अच्छा, अभी सीजन, अभी अनसीजन है, ज़्यादा नहीं आ रहा था। अनसीजन में अच्छा है। अच्छा, सीजन में ज़्यादा, सीजन में बोल्ट बोल्ट पूरा अच्छा है। तो यही है दोस्तों कि यहाँ पर कि भैया सीजन जो है इनका समर्स में ज़्यादा आता है, जो कि स्टार्ट होगा मार्च अप्रैल के बाद में, अभी तो विंटर सीजन चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि हर एक डिलीवरी यहाँ पर डिलीवरी नंबर ऑफ डिलीवरीज बहुत मैटर करती है, जितनी ज़्यादा डिलीवरी करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। एक डिलीवरी का जैसे इन्होंने बताया कि 2.80 या 3 यूरो पर डिलीवरी बन जाता है। 2.8 साइकिल है और बाइक है तो मैक्सिमम 3 डिलीवरी जॉब्स के बारे में वीडियो। थैंक यू सो मच श्रीकांत, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये काफी हेल्प करेगा हमारे व्यूअर्स को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड चेक आउट द व्यू।